Hello students, in our some previous classes we were discussing about Compton effect है ना, और अभी भी हमारा ये टॉपिक जो चल रहा है थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अगर पूरा टॉपिक एक क्लास में पढ़ाए तो एटलीस्ट दो लेक्चर तो चाहिए, एक एक घंटे के, है ना, तब जाकर के ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है भाई। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट Compton इफेक्ट, जिसमें हमने इसका डायग्राम बना लिया था, जो प्रैक्टिकल सेटअप है वो देख लिया था। इसके बाद हमने इसमें एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन लगाए थे, क्योंकि दोनों के बीच टक्कर कौन सी हो रही है, इलास्टिक, ठीक है। इसके बाद हमने जो प्रोसीजर फॉलो किया था, ये सारा पूरा प्रोसीजर फॉलो किया था, उससे हमारे पास जो इक्वेशन आई थी फाइनल Compton इफेक्ट के लिए, वो ये वाली आई थी, ठीक है। जो मैंने कल लास्ट में छोड़ा था वो इक्वेशन 8 थी। ये मेरी इक्वेशन जो है वो Compton इफेक्ट की इक्वेशन कहलाती है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये Compton शिफ्ट है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा Compton शिफ्ट को डिनोट कर रहा है, और एच अपन एम नॉट सी स्क्वायर को Compton वेवलेंथ कहते हैं ना। मैंने आपसे एक चीज़ पूछी थी, किसी का कमेंट आया नहीं मेरे पास, पता नहीं वीडियोस देख रहे हो कि नहीं आप देख रहे हो, ठीक है। Compton वेवलेंथ, वैसे तो मैंने नाम ही बता दिया तो कॉमन सेंस की बात है, जब इसे एच अपन एम नॉट सी स्क्वायर को हम Compton वेवलेंथ कह रहे हैं, दैट मीन्स इसकी जो डायमेंशन होगी वो वेवलेंथ की डायमेंशन के इक्वल होगी। अब वेवलेंथ की डायमेंशन के इक्वल है कि नहीं है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। नाम तो मैंने बता दिया, ओके। देखें आप, एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, एच क्या है, प्लैंक कॉन्स्टेंट, जिसकी यूनिट क्या होती है, जूल इंटू सेकेंड। एम क्या है, मास, इसकी होती है किलोग्राम, है ना, इसकी होती है मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर आएगा, उसको मैं ऊपर लेकर के जा रही हूँ, ठीक है भाई, है ना। तो अब आप ये देखो कि जो जूल है उसको हम क्या कहते हैं भाई, जूल को, जूल की आप डायमेंशन कैसे लिखोगे, जूल मतलब वर्क की होती है, वर्क बराबर, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि न्यूटन इंटू मीटर, है ना, न्यूटन इंटू मीटर। और न्यूटन मतलब क्या होता है, न्यूटन मतलब होता है फोर्स, फोर्स मतलब एम ए, एम ए मतलब इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई न्यूटन आप किसको कहते हो, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही तो न्यूटन कहते हो, नहीं कहते हो, क्योंकि न्यूटन क्या होता है, न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, फोर्स एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है, एम की हो गई किलोग्राम, ए की हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू मीटर मतलब आप जूल किसको कहोगे, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं जूल की जगह पर रख सकती हूँ, है ना, तो कितना आएगा, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, है ना, पर सेकंड स्क्वायर इंटू, ये तो हो ही गया सेकंड क्यूब, और नीचे क्या बचेगा, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, सही है भाई। तो आपके पास क्या क्या बचेगा, क्या क्या कटेगा, है ना, वो आप देखो, कुछ मिस तो नहीं हो रहा अपना, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, एक मिनट मैं एक बार देख लूँ इसको, इसमें अपना किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर से किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो ये तो सेकंड की यूनिट आ रही है, एक मिनट रुको, इक्वेशन एक बार चेक कर लूँ, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, अरे ये देखो भाई, आपने जब इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सॉल्व किया होगा ना, तो ये एच अपॉन एम नॉट सी आएगा भाई, है ना, इसको करेक्ट कर लेना, पता नहीं आपने किया है कि नहीं, इसको करना भाई सॉल्व। इक्वेशन 7 में आप न्यू की जगह पर सी अपॉन लैम्डा पुट अप करोगे ना, तो उससे आपकी जो इक्वेशन आएगी वो वेवलेंथ की फॉर्म में आएगी, ठीक है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, तो ये आपका जो आएगा ना इक्वेशन आएगी वो आएगी एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस पाई, तो ये एच अपॉन एम नॉट सी जो है वो Compton वेवलेंथ कहलाती है। अब वो गफलत हो गई क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना, इसको खुद से करती तो पता चलता, ठीक है। तो न्यू माइनस न्यू की जगह पर आप रखोगे सी अपॉन लैम्डा, और न्यू डैश की जगह पर आप रखोगे सी अपॉन लैम्डा डैश। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये एच अपॉन एम नॉट सी क्या कहलाती है, Compton वेवलेंथ। अब आ जाओ यहाँ पे, एच अपॉन एम नॉट सी रखना है अपन को, है ना, तो ये मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, मीटर पर सेकंड ही आएगा, तो ये हट जाएगा, है ना, तो ये भी हट जाएगा और ये आएगा स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गई, मीटर। मीटर यूनिट किसकी होती है, वेवलेंथ की, भाई कोई सी भी लेंथ हो, वेवलेंथ तो मतलब एक तरीके की लेंथ ही तो है, तो इसकी यूनिट हो गई मीटर, ठीक है। तो एच अपॉन एम नॉट सी क्या है, Compton वेवलेंथ कहलाती है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना, इक्वेशन 7 से 8 कैसे आई है वो मैंने बता दिया आपको, न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा और न्यू डैश की जगह पर सी अपॉन लैम्डा डैश रखना है, ठीक है भाई, ओके। अब हम क्या बनाएंगे, आगे इसका ग्राफ फाइंड आउट करेंगे,
ठीक है, आप लिख लेना, एक तो इस इक्वेशन से ये इक्वेशन निकाल लेना और नीचे बता देना कि जो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा है उसको हम ऐसे डेल्टा लैम्डा भी शो कर देते हैं कभी कभी, तो इस वाले इक्वेशन में हम इसको डेल्टा लैम्डा भी कह सकते हैं क्योंकि ये दो वेवलेंथ के बीच की शिफ्ट यानी कि डिफरेंस है, तो इसको हम चेंज इन वेवलेंथ या कॉम्पटन शिफ्ट नाम देते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, अब देखो इसको आप बता देना कि ये कॉम्पटन शिफ्ट है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो केवल आपका किस पर डिपेंड कर रहा है, फाई पर, है ना। तो आप नीचे इक्वेशन में बताना, इन दिस इक्वेशन इक्वेशन 8 इंडिकेट्स दी कॉम्पटन शिफ्ट एंड दिस कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड्स अपॉन स्कैटरिंग एंगल फाई। दिख रहा है हमें, क्योंकि भाई एच कांस्टेंट है, एम नॉट कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, वन बी कांस्टेंट है, तो फिर डिपेंड किस पे कर रहा है, फाई पे ही तो कर रहा है। तो कॉम्पटन जो शिफ्ट है हमारा वो डिपेंड किस पे करता है, केवल स्कैटरिंग एंगल पर। तो हम एक बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे बिटवीन लैम्डा और फाई में, ठीक है, यानी कि वेव लेंथ के बीच में और स्कैटरिंग एंगल के बीच में, क्योंकि इस पे डिपेंड कर रहा है ना। पर ग्राफ बनाने के लिए मुझे कुछ कंडीशन चाहिए, तो हम इसमें केसेस पढ़ेंगे कि जब फाई की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, फाई की वैल्यू 90 है तो क्या होगा, फाई की वैल्यू 180 है तो क्या होगा, है ना। तो ये दो तीन केसेस पढ़ेंगे तभी तो ग्राफ हम बना पाएंगे। समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है, ओके। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये जो कॉम्पटन वेवलेंथ मैंने आपको बताया एच अपॉन एम नॉट सी होती है, इसमें सारी चीज़ें कांस्टेंट है। आप देखो एच कांस्टेंट है, एम नॉट कांस्टेंट है, आप जानते हो एम नॉट क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सी आप जानते हो, तो हम कॉम्पटन वेवलेंथ निकाल सकते हैं ना कि कितनी होगी। अगर कॉम्पटन इफेक्ट किसी मटेरियल में शो होगा तो कॉम्पटन वेवलेंथ उसकी फिक्स होगी, ठीक है, तो वही हम निकालना चाह रहे हैं कि वो कितनी होगी। ठीक है, जल्दी से निकाल लेते हैं उसको, कॉम्पटन वेव लेंथ, ठीक है, और वो कितनी होती है, एच अपॉन एम नॉट सी, और इसको हम लैम्डा नॉट से शो करते हैं। ठीक है, एच की वैल्यू रख दो 6.62 × 10⁻³⁴, और नीचे आपका 9.1 × 10⁻³⁹, सी हो गया 3 × 10⁻⁸। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.0242 एंगस्ट्रम। आप इसे फाइंड आउट कर लेना, ये आती है वैल्यू। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, कॉम्पटन वेवलेंथ की, और ये फिक्स्ड होती है क्योंकि इसमें हर चीज कांस्टेंट है, तो कॉम्पटन वेवलेंथ क्या होगी आपकी, फिक्स ही तो होगी। ठीक है, तो अब मेरे को ये जो मिली है इक्वेशन नंबर 9, इस 9 को मैं इस इक्वेशन 8 में रख सकती हूँ, यहाँ पे रख सकती हूँ। समझ में आ रही है बात आपको, तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 8 डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। आप इसकी जगह पर एक स्टेप में लैम्डा नॉट रख दें, 1 − cos φ इसकी जगह पर, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर दें, वैल्यू रख दें 0.0242 1 − cos φ। समझ में आ गया आपके पास, तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाती है, इक्वेशन नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ओके, अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम सबसे पहले केस फर्स्ट, इफ फाई क्या है, स्कैटरिंग एंगल या प्रकीर्णन कोण, है ना। अगर ये जीरो हो, फाई जीरो हो, तो आपके पास कॉस फाई की वैल्यू कितनी होगी, कॉस फाई कितना होगा, कॉस जीरो वन होता है, ठीक है। देयरफॉर इस पता है इस केस को हम बोलेंगे क्या, फाई जीरो होने का क्या मतलब है भाई, फाई के जीरो होने का क्या मतलब है, फाई कौन सा एंगल था। देखें भाई, केसेस तो हम पढ़ लेंगे पर हमें उनका फिजिकल मीनिंग भी तो पता होना चाहिए। फाई कौन सा एंगल था, फाई था जो स्कैटर्ड फोटोन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो फाई है। समझ में आ रही है बात, अगर फाई जीरो हो जाएगा मतलब ये स्कैटर्ड फोटोन ऐसे इस एंगल पर स्कैटर ना होकर के ऐसे स्कैटर होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि हम इसको पता है क्या बोलेंगे, इसको नाम दिया जाता है फॉरवर्ड स्कैटरिंग या अग्र प्रकीर्णन, यानी कि जब वो किसी एंगल पर स्कैटर ना होकर के एक्स एक्सिस में ही स्कैटर हो, मतलब जिस डायरेक्शन में वो जो इंसिडेंट फोटोन हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन कर रहा है उसकी डायरेक्शन में अगर फोटोन भी स्कैटर हो जाए, तो उस केस में हमारा जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो कितना होगा, वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम इस केस को पता है क्या बोलते हैं, आप ऐसा करना, ऊपर लिख देना इन केस ऑफ फॉरवर्ड स्कैटरिंग बोले तो अग्र प्रकीर्णन। ठीक है, फाई जीरो होगा, कॉस फाई की वैल्यू वन होगी। ठीक है, देयरफॉर बाय इक्वेशन आपकी ले लो 10, है ना,
इक्वेशन अगर 10 हो जाएगी आपकी, इस इक्वेशन में रखो आप डेल्टा लैम्डा आपका कितना मिलेगा, यानी कि लैम्डा डैश माइनस लैम्डा आपका कितना मिलेगा, ये कॉस फाई तो 1 हो गया, 1 माइनस 1 जीरो, मतलब जीरो आ गया, इसका मतलब लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कॉम्पटन जो इफेक्ट है वो शो ही नहीं होगा, ठीक है। कॉम्पटन इफेक्ट शो कब हो रहा था भाई, कॉम्पटन इफेक्ट तो तब शो हो रहा था जब हमने ये कहा था कि इंसिडेंट फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो टकराने के बाद दो तरीके की वेव्स मिलती हैं और उन दोनों तरीके की वेवलेंथ के बीच में अंतर होता है, उसी को हमने कॉम्पटन वेवलेंथ कहा था, सॉरी कॉम्पटन शिफ्ट कहा था, ठीक है। हमने यही तो देखा था, कॉम्पटन इफेक्ट यही तो है बेसिकली, कि अगर कोई एक्स रे किसी इलेक्ट्रॉन से टकराती है तो टकराने के बाद दो तरह की वेव्स मिलती हैं और वो दोनों तरह की वेव्स की वेवलेंथ में क्या होता है, अंतर होता है। एक की वेवलेंथ तो इंसिडेंट वेवलेंथ के इक्वल मिलती है और एक की वेवलेंथ उससे कुछ ज्यादा मिलती है, पर अगर दोनों ही वेवलेंथ इक्वल आ रही है तो उसका मतलब कॉम्पटन इफेक्ट तो दिख ही नहीं रहा, कॉम्पटन इफेक्ट तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, देयरफोर, तो इससे रिजल्ट क्या निकलेगा, इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ये फाई बराबर जीरो यही तो डायरेक्शन है, ये इंसिडेंट फोटोन की तो डायरेक्शन है, देयरफोर इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन कॉम्पटन इफेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि कॉम्पटन इफेक्ट होता ही नहीं है। समझ में आ गई बात आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्वेश्चन इसी पे बेस्ड बनेगा आपका, समझ में आ गई। वो आपसे इसमें कुछ भी घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा, आपका काम है अपने टॉपिक को ईमानदारी से और ठीक से हर एक कॉन्सेप्ट को समझना, जहां जहां आप अटक सकते हो वहां वहां मैं आपको बताऊंगी कि आप यहां यहां अटक सकते हो, कहां क्वेश्चन बन सकता है। तो यही क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा, या तो वो कहेगा, वो ऐसे कहेगा कि कॉम्पटन इफेक्ट को समझाइए, ठीक है, आपको पूरा इक्वेशन निकाल के यहां तक आना पड़ेगा, फिर उसमें अग्र प्रकीर्णन को समझाइए, तो आप समझ जाओगे अग्र प्रकीर्णन यानी कि फॉरवर्ड स्कैटरिंग में आपको ये वाला केस बताना, ये तो हुई सीधे सीधे क्वेश्चन। वो ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई कॉम्पटन इफेक्ट को समझाते हुए ये बताइए कि किस स्थिति में कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो प्रदर्शित ही नहीं होगा, तो आप समझ जाओगे कि कॉम्पटन इफेक्ट तो कहाँ नहीं दिखता भाई, फॉरवर्ड स्कैटरिंग में नहीं दिखता। समझ में आ गई बात आपको, जब फाई जीरो होगा यानी कि अगर स्कैटरिंग भी उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, अगर स्कैटरिंग भी उसी डायरेक्शन में हो तो कॉम्पटन इफेक्ट शो नहीं होता। कॉम्पटन इफेक्ट इसलिए शो नहीं होता क्योंकि दोनों वेवलेंथ इक्वल मिल रही है, इसका मतलब यह है कि कॉम्पटन इफेक्ट तो भाई वो होता है जब वेवलेंथ में डिफरेंस होता है, दो अलग अलग वेवलेंथ मिलती है, एक की बराबर और एक की उससे ज्यादा, पर अगर दोनों ही इक्वल मिल रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि कॉम्पटन इफेक्ट होता ही नहीं, ठीक है। केस नंबर सेकेंड, केस नंबर सेकंड, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ना, परपेंडिकुलर स्कैटरिंग टू द इंसिडेंट फोटोन, मतलब इंसिडेंट जिस डायरेक्शन में फोटोन इंसिडेंट हो रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि ये फाई ऐसे ना हो करके ऐसे परपेंडिकुलर अगर स्कैटर होगा तो क्या होगा, है ना, वो देख लेते हैं फटाफट। फाई इज इक्वल टू अगर पाई बाय टू हो गया तो आप बता ही सकते हो कि कॉस फाई की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। देयरफॉर बाय इक्वेशन टेन का यूज करो, आपके पास कितना आएगा, इक्वेशन टेन का यूज करोगे तो आपके पास आएगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0.242, है ना, कॉस 0.242 आएगा, है ना, 1 माइनस 0 हो जाएगा ना आपका, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपकी उस कंडीशन में जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो कॉम्पटन वेवलेंथ के इक्वल आएगी, भाई ये तो क्या है, कॉम्पटन शिफ्ट है और ये 0.242 हमने क्या निकाली है, कॉम्पटन वेवलेंथ ही तो निकाली है। इसका मतलब क्या है कि अगर परपेंडिकुलर स्कैटरिंग होगी तो उस केस में आपका कॉम्पटन शिफ्ट किसके इक्वल आएगा, कॉम्पटन वेवलेंथ के, तो आप बता देना। देयरफॉर इन दिस केस कॉम्पटन शिफ्ट इज इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ, समझ में आ गई बात। तीसरा केस उठाते हैं, केस नंबर थर्ड, यानी कि अब की बार फॉरवर्ड स्कैटरिंग की जगह कौन सी स्कैटरिंग हो जाए, बैकवर्ड स्कैटरिंग कब होगी, तो हम लिखेंगे इन केस ऑफ बैकवर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई तीनों केस और ये जो ग्राफ जो मैं बनाने वाली हूँ, है ना, फॉरवर्ड स्कैटरिंग मतलब पाई, यानी कि अगर स्कैटरिंग
कब हो जाए, फॉरवर्ड यानी कि फाई इज इक्वल टू कैसा हो जाए, ना तो ऐसे हो ना ऐसे हो बल्कि ऐसे हो जाए पीछे, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोटोन आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर स्कैटरिंग हो जाए तो क्या होगा, आप इसको क्या बोलेंगे, नाम देंगे पश्च प्रकीर्णन या फिर बैकवर्ड स्कैटरिंग। समझ में आ रही है बात? तो रटना नहीं है, चीजें समझ में आ जाती है तो रटने की जरूरत नहीं पड़ती भाई। कॉस फाई इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस वन होता है, ठीक है, बस रख दो आप अपनी इक्वेशन में। इक्वेशन कहाँ गई, ये रही, ठीक है, ये रही अपनी इक्वेशन नंबर 10। इसमें हमें कॉस पाई की जगह माइनस वन, तो ये वन प्लस वन टू हो जाएगा, ठीक है, देयरफॉर बाय इक्वेशन 10, ठीक है भाई। अब आप क्या करोगे, तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0.242, वन प्लस वन मतलब टू है ना, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 0.024, ठीक है, इतना एंगस्ट्रम। इसका मतलब पता है क्या है, ये कॉम्पटन शिफ्ट का डबल ही तो है, ये लो कॉम्पटन शिफ्ट कितना है 0.2, कॉम्पटन वेवलेंथ सॉरी कॉम्पटन वेवलेंथ कितना है 0.242, उसका डबल ही तो है 2 लैम्डा नॉट। देयरफॉर आप क्या लगो कहोगे, इन केस ऑफ बैकवर्ड स्कैटरिंग कॉम्पटन शिफ्ट इज इक्वल टू डबल ऑफ द व्हाट, कॉम्पटन वेवलेंथ। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है, तो ये हमारा कॉम्पटन शिफ्ट हो गया। अब रही बात ग्राफ की, अब तीनों केसेस आपके सामने है, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड एंड केस नंबर थर्ड। आपको ग्राफ फाइंड आउट करना है, आप ग्राफ बनाओगे भाई, फिजिक्स के स्टूडेंट हो, खूब लैब में बना चुके हो ग्राफ, तो ये कॉमन सेंस होना चाहिए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर कोई भी बच्चा इस ग्राफ को बनाएगा तो, बहुत ही सिंपल ग्राफ है। हिंट दे देती हूँ मैं, यहाँ पे आपका लैम्डा, इधर फाई, एंगल क्या क्या है, जीरो, पाई बाई टू और पाई। लैम्डा आपको दो मिल रहे हैं, एक मिल रहा है 0.0242 और एक मिल रहा है 0.0484। बस आपको पॉइंट ही मैच करना, मेरे हिसाब से इतनी हिंट देने के बाद तो कोई 8th क्लास का बच्चा भी ये ग्राफ बना देगा। समझ में आ गई ग्राफ बात आपको, तो ये ग्राफ मेरे को जिसका बन जाए वो मेरे को व्हाट्सएप पे इसकी पिक भेजना, जिसका भी ये ग्राफ ड्रॉ हो जाए, ठीक है, थैंक यू।